ओम समुद्रवसने देवी परवास्तल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं चमस्मेव आधार शक्ति तमनासनाय नमः भूमै नमः। ओम मवपित्र पवित्र वासरवावस्थां गतोपि वाचः स्मरित पुंडरीकाच सहवाय्या भयंकर शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातु पुनात पुंडरीकाक्षाय नमः। मोबाइल हटाइए आपका मोबाइल तीन बार जल्दी है। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। हस्त प्रच्छल्या मृत्यु केशाय गोविंदाय नमः। ऐसे हाथ करिए अपना अंगूठी पे टच करो। हाँ सर करो ऐसे अंगूठी टच करो अपनी कटोरी में डालना माचिस कटोरी में डाली और आगे का कार्य हमारा अच्छा तरह से चलता रहे। गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मी सन्निधम करो। ओम अपाम पते बम वरुणाय नमः। कलश की ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि यत् कश्चन स्वस्य सुखं सुभद्रिकां कां बिलवासिनीम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानं ध्यानार्थे ध्यानपुष्पं समर्पयामि। ओम नैवेद्यं निवेदयामि मुखम् आग्नि प्रति मुखम् आग्नि जलं समर्पय। एक बार जल घुमा के बाटी में डाल दीजिए उसे। ओम यदपुरुषेण हविका देवा यदवसंत इदं शरत् कवि। ओम हिरण्यगर्भ स्मृताग्रे भूतस्य जातपत्रे कयासी सदा धावृतपं कस्मै देवा हविका विधेम द्रव दक्षिणां विभज्य। ओम येन बद्धवली राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचल सर्वाबाधा विमुक्ति धन धान। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बाजन को गणेश देवा माता जगे पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल की जैसे श्याम शरण आए देवा। रिद्धि देत सिद्धि देत बुद्धि देत देवा। हम सब शरण आए सफल की जसेवा। हम सब शरण आए सफल की जसेवा। जय गणेश जय गणेश सुदेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी
सहितं नमामि। जलेन शीतले गणपुष्पै देवाभिवन्दनं। ये फूलगई ऐसे घुमाइए, भगवान के पास चरणों में चढ़ाइए। अब ऐसे दिखाइए। एक नई फिल्म का जैसे शुरुआत हुआ है, जेकर नाथ भोलेनाथ मनाथ के सभी, क्या कहना चाहेंगे? इसमें नाम ही एक अपने आप मतलब ये लगता सर भोजपुरी में इस तरीके का पहली बार मेरा बूम कौन पीछे कर रहा है। भगवान के नाम को बोले शंकर शंकर तो बहुत, लेकिन ये नाम बहुत कैची है हमारे भोजपुरी की ऑडियंस के लिए। अक्सर ये लाइनें हम बातचीत के उसमें यूज़ करते हैं, थोड़ा लंबा है लेकिन याद हो जाए। अच्छा है, तो ऐसा नहीं कि जिसको याद करना मुश्किल है, क्योंकि हमारी रूटीन में बातचीत में ये लाइन हम। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो अरुण तिवारी जी, जिनकी फिल्म में ये मोहब्बत आ चुकी है, जमाई राजा रिलीज में और तीसरी फिल्म का ये शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, मैं इतफाक से दोनों फिल्मों में था। पहली फिल्म ये मोहब्बत में भी था, जमाई राजा में मैं और बहुत अच्छी फिल्म बनी हुई थी, डायरेक्ट किया ये फिल्म भी है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, एक अच्छी केमिस्ट्री रही है अरुण जी के साथ भी, दिल्ली के साथ भी। मुझे लगता है ये फिल्म भी उसी खूबसूरत फिल्म बनेगी। कहाँ कहेंगे लेकिन फिल्म के नाम में ही इतना दम है कि क्या भी सूट होगा अच्छा हो। अच्छा, जैसे आपने कहा कि इसके लिए आपकी इनकी पेयर जोड़ी रही है, इसमें भी इस तरह से कुछ हवा मचाने वाले हैं? हाँ, देखिए मुझे पूरी कहानी तो अभी नहीं पता, हमें मुहूर्त है तो बहुत सीनियर एक्टर। हाँ, उनका अपना तजुर्बा है एक्टिंग को लेकर। नीलम जी बहुत सीनियर एक्ट्रेस है, काफ़ी काम किया हुआ है, हमने साथ में भी बहुत सारी फिल्में की, एक बिहारी चौकरानी से लेकर अब तक अभी करके भी आ रहे हैं हम लोग रांची में, तो अच्छा है कि दो तजुर्बेकार अभिनेता मिलते हैं, तो सीन अच्छा होता है, फिल्म में बहुत असर होता है। नीलम जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत खुश हूँ, अच्छा लग रहा है कि अरुण जी एक के बाद एक शुरू करते जा रहे हैं और हम सबको भी मौका दे रहे हैं। धनंजय के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, फिर करने का मौका मिलेगा। तो कुछ किरदार बारे बताना चाहेंगे? अभी तो कुछ भी नहीं पता, जैसे संजय जी ने बताया कि तो स्क्रिप्ट के बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पता। कल तो आए हम लोग रांची से और आज मुहूर्त पर आ गए, जैसे स्क्रिप्ट के बारे में कुछ पता चलेगा सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे। संजय जी कहा, संजय जी ने कहा कि पेयर जोड़ी रहा है जमाई राजा आपके लिए, तो उसी तरह कुछ आने वाले हैं, क्या ट्यूनिंग रही है आपकी? बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, कभी साथ में बैठे हाँ बहुत दुश्मन निगेटिव है हम दोनों में, तो तरीके से किरदार करते हैं, लेकिन निगेटिव उसमें उनकी बहुत पार है। मैं भी सिनेमा का एक कमीना किरदार माना जाता हूँ, वो बहुत शातिर लोग जब किसी फिल्म में मिलते हैं तो बहुत शातिराना हरकत ही होती है और वो ऑडियंस उसके उसको सीन को इंजॉय करती है, तो उसी तरीके का रहा हमारे जमाई राजा की, और उम्मीद है कि इसमें आई थिंक वैसी क्या मुश्किल। सर पर्दे का ट्यूनिंग कपड़े में भी दिख रहा है यहाँ पे। हाँ वो एक काम है ना कि ऑल इंटेलिजेंट पीपल थिंक अलाइक, तो सारे बुद्धिमान लोग एक जैसे ही सोचते हैं इंटेलिजेंट, इतफाक कहीं ना कहीं मिलता है वैचारिक रूप से, हमें पता नहीं था हम तो अलग 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 अलग। हाँ लेकिन फिर भी चलिए आपने अच्छा नोटिस किया, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। आपके आने वाली फिल्मों की बात की जाए, सभी रांची से आ रहे हैं तो रांची की ठंडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ठंडी है रांची, एक एक राजगीर मुझे बहुत गजब की ठंड है वहाँ, तो कलर क्रिकेट मौसम है ना दोनों। अभी फिल्म बनी जिसमें हम दोनों साथ में देंगे, वो भी अच्छी फिल्म बनी, और आने वाली फिल्मों की फहरिस्त बहुत लंबी है दोस्त, यही एक सवाल मत पूछा करो, क्योंकि कुछ नाम मिस हो जाते हैं फिर मेरे पास फ़ोन आते हैं कि आपने फला इंटरव्यू में हमारी फिल्म का नाम नहीं लिया, तो ये सवाल को रहने दीजिए, बहुत सारी फिल्में लाइन से बड़ी बड़ी फिल्में आएंगी देखते हैं। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? भैया मैं तो कहूँगा भोजपुरी जिस तरीके से बढ़ रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ सिनेमा हॉल तक बात नहीं रह गई है, यूट्यूब से लेकर इतने चैनल्स आ गए हैं, भोजपुरी का जितना विस्तार हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि ऑडियंस बढ़ रही है, ऑडियंस बढ़ रही है तो इस बात के लिए हम कलाकार ऑडियंस के शुक्रगुजार हैं, आप देखते हैं तो हमको काम करने का मौका मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए भोजपुरी को, सराहिए, आपके लिए बनता है सिनेमा और हमारी कोशिश है हर फिल्म बहुत अच्छी फिल्म। अभी एक वेब सीरीज भी लेके आए जो कि भोजपुरी की इंडिया में पहली वेब सीरीज कह सकते हैं, वर्दी एक अहम पात्र, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उसका,
उसके ट्रेलर को भी 1 मिलियन लोगों ने देख लिया था और सीरीज़ का भी रिस्पॉन्स उम्मीद है कि बहुत अच्छा आएगा। अभी तो 25 तारीख को लॉन्च हुई है। ओके, थैंक यू सर। एक दूसरी फिल्म के साथ फिर आप शुरुआत हो गई है, जमाई राजा रिलीज पे है और ये नई फिल्म की शुरुआत हुई है। जमाई राजा का डायरेक्टर है, अरुण जी सर प्रोड्यूसर है, तो क्या कहना चाहेंगे फिल्म पर जो शुरुआत हुई है और जमाई राजा बोल रही है? जमाई राजा हम लोग बहुत मेहनत से और गाँव में बनाई है, बहुत जल्दी हम लोग मार्केट में आने वाले हैं। उनका पोस्ट प्रमोशन काम बहुत स्पीड से चल रहा है और काफ़ी अच्छी फिल्म बन के आई है सामने। जैसा कि जो हम शुरुआत कर रहे थे तब बोला था कि अलग और अच्छी फिल्म में फिल्म कैसे वो बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वो अच्छी हमारी जो कोशिश थी वो सराहनी, वो आप लोग सराहना करोगे तो अच्छी होगी। हमने तो अपनी पूरी कोशिश कर दी और फिल्म काफ़ी अच्छी बन के आई है, वो देखते हैं। रही बात अपनी आने वाली फिल्म जगन्नाथ भोलेनाथ भोलेनाथ कैसे हुई, ये कॉन्सेप्ट भी अरुण जी का कॉन्सेप्ट है, पूरा आइडिया इनका है। उस आइडिया के बाद राजेश पांडे जी ने इसको बखूबी इस स्टोरी को लिखा है और काफ़ी अच्छी प्रकथा इसकी चल रही है, आगे लिखी जा रही है और बहुत जल्दी इसको लेकर हम लोग फ्लोर पर चलेंगे। और ये फिल्म ऐसा तो नहीं कहता बहुत बिल्कुल हटके है, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जिसको कई लोगों ने टच किया, लेकिन हम हर एक का एक फिल्म को फिल्माने का तरीका अलग होता है, उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, अलग अलग थॉट्स होते हैं, तो उसके हिसाब से हम इस फिल्म को कर रहे हैं और फिल्म कोशिश करेंगे सबसे थोड़ी अलग और जो हम कहना चाहते हैं वो सारी चीज़ें निकल के आ सकें। अरुण तिवारी जी का तो यही करना चाहूँगी, ऐसी बात है एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म बैक टू बैक कर रहा हूँ उनके साथ में, तो अच्छे हैं हम लोग, ट्यूनिंग अच्छी है, बातचीत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, काम अच्छा है, दूसरे साथ में कर रहे हैं। अगर अच्छा नहीं तो दोबारा कोई किसी को याद नहीं करता इंडस्ट्री में, आप सब लोग अच्छी तरह पता है, तो बहुत अच्छे हैं और काम अच्छा है करते, सबसे अच्छी बात है काम अच्छा है, प्रोफेशनल काम है, तो इसलिए साथ में फिर से दिख रहे हैं। तो कोशिश करेंगे आगे भी साथ में दिखते रहें अगर वो याद करते रहेंगे तो। और मेन हमारा है कि हमारी मेहनत और हमारा फोकस रहता है काम पे, सारी चीज़ें अपनी जो मेन काम है, काम अच्छा होता रहेगा तो हम चलते रहेंगे, एक साथ में काम करते रहेंगे और बहुत अच्छे इंसान। बात करें जो है भोजपुरी सिनेमा में देखते देखते आपने 2 फिल्में बना लिया और तीसरी फिल्म हैट्रिक मार दी, आप भोजपुरी सिनेमा में क्या कहना चाहेंगे? बोलेंगे तो आप सबका आशीर्वाद है और बस एक मेहनत करते जा रहे हैं, बाकी कानपुर वाले कहाँ से तो कोशिश कर रहे हैं कि हैट्रिक क्या कई हैट्रिक है, हम एक हैट्रिक से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। और अपनी एंट्री में ही मैंने उससे थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, हम यहाँ पे कुछ करके दिखाने ले आए हैं और करके दिखाएंगे। पहली फिल्म आप जब निर्माण कर रहे थे तब आपकी सोच भोजपुरी सिनेमा को लेकर क्या थी और अब क्या सोच? देखिए फर्स्ट टाइम जब कर रहे थे मोहब्बत रवि किशन जी के साथ में, तो उस समय भी एकदम पॉजिटिव था मैं, कोई निगेटिव नहीं था और आज भी मैं पॉजिटिव हूँ। और पहली टाइम पॉजिटिव होने की वजह से ही मेरी दूसरी फिल्म जो है कम्प्लीट हुई और उसके बाद में जब सब इसमें ध्यान लगाए तो कहीं ना कहीं मैं एकदम पॉजिटिव हूँ। अगर कोई ऐसा बोलता है भोजपुरी इंडस्ट्री इस तरह से है वो इस तरह से, तो वो चीज़ें मैं नहीं मानता हूँ। अपनी सोच कैसी है, आपकी सोच कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड होता है, न कि दुनिया के कहने पे। दुनिया क्या कहती है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ काम करना है और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के साथ मिल के इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। आपकी दूसरी फिल्म रिलीज है उसके बारे में बताना चाहेंगे? दूसरी फिल्म के बारे में कहेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्च तक एक फिल्म रिलीज हो जाए जमाई राजा और इसको भी फ्लोर ले जाना है। अगले महीने शिवरात्रि के दिन एक प्लान है कि शिवरात्रि के दिन से भोलेनाथ के दरबार में हम इसकी शुभ कर दें, शुरुआत कर दें। शूटिंग की शुरुआत कहाँ भोले बाबा? शूटिंग की शुरुआत बस काशी विश्वनाथ नगरी, हर हर महादेव बनारस में, गंगा जी और बाबा भोलेनाथ का जो मतलब एक संगम है और शायद नाम भी कुछ कुछ मेल खाता है, तो नाम से ही जाहिर होता है कि बिना गंगा और बाबा विश्वनाथ के तो पूरा हो नहीं सकता है, तो बस प्रयास यही है कि वहाँ से शुरू करें, उन्हीं से शुरू, उन्हीं से उन्हीं जगह। तो ये कब तक शूटिंग खत्म हो जाएगा दर्शक? कंपटीशन का ये जो है हम शुरुआत कर रहे हैं, एक हाफ शेड्यूल लगा रहे हैं वहाँ पे, तो हम मार्च में लगा रहे हैं 4 तारीख से और इसके बाद में अप्रैल में लास्ट अप्रैल तक एंड कर देंगे। फिल्म का जैसे नाम है
बताना चाहेंगे नाम रखने की खास वजह? देखिए, नाम से ही मालूम होता है कि कुछ न कुछ तो मतलब एक होता है कि आदमी जेकर नाथ बोले नाथ हुआ नाथ कैसे, नाम से ही मालूम होता है कि कुछ तो खास होगा इसमें। और एक ही बहुत ही ग्रैंडियस फिल्म है, नाम से लगता है कि नहीं एक धार्मिक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। धर्म और आस्था सबकी जुड़ी हुई है और उसके हिसाब से स्टोरी है। स्टोरी बहुत ही बेहतरीन है, एक काल्पनिक स्टोरी है। हमारे राइटर साहब जो है इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और प्रयास यही है कि जल्द से जल्द हम इसको जो है उस दिन का इंतजार है कि इस पर कहीं ना कहीं शूट लगे। बहुत ही है उसी को कि शिवरात्रि के दिन से मैं शूट करना चाहूँगा। क्या मैसेज जाएगा इस फिल्म के द्वारा? देखिए, एक होता है ना कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में देखा जाए धर्म आस्था का बहुत बड़ा एक संगम है, तो कहीं ना कहीं आस्था बहुत प्रबल होती है हमारे यहाँ, हम आस्था पे ही चलते हैं। तो एक कॉमन बात है कि जब जहाँ उनका नाम है तो वहाँ तो सिर्फ सीधा संदेश है। गाने की बात की जाए, बैनर जैसे है श्री गणेश को जी, गणेश जी यानी कि भोले बाबा के प्रिय पुत्र। देखिए, जब मेरी और भी जो कंपनी चल रही है कार्गो कंपनी, तो गणेश जी के नाम पे ही तीन कंपनी है। तो जब फर्स्ट टाइम बैनर हम करने आए, उसके पहले हमने रेजिस्ट्रेटर बना दिए थे पूरे गणेश जी के नाम पे। और संजोग के इम्पा में आने के बाद में एक सबका सहयोग मिला और गणेश जी के नाम पे ही प्रोडक्शन हाउस बन गया। आज उनके पिताजी के नाम पर बन रहा है, बाप और बेटे को मिलाकर लिख चल रहे हैं। सफलता तो मिल गया। तो फिर कौन गीत संगीत के बाद की बात की जाए? हाँ, देखिए गीत संगीत के बारे में जो आज भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी तहलका मचा हुआ है कि इस तरह के गीत नहीं होने चाहिए, संगीत नहीं होना चाहिए। तो इसके पहले जो मैं फिल्म बनाया कहीं कहीं मतलब चाहे ये मोहब्बते की बात हो चाहे जमाई राजा की बात हो, मैं तो ये बोलूँगा कि आपके माध्यम से अगर दर्शकों तक ये बात पहुँचती है, ऑडियंस पहुँचती है, तो मैं बोलूँगा कि एक बार खाली कैसे भी करके आप फिल्म देखना जमाई राजा। इस जमाई राजा फिल्म के अंदर क्या है, एक अच्छी स्टोरी का मेल जोल और एक कहीं भी कोई भी अपशब्द नहीं मिलेगा आपको, चाहे गाने की बात की जाए और चाहे स्टोरी की बात की जाए। ओके सर, स्टार कास्ट में बात की जाए जो है जैसे कि बैनर में हाँ, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको कि हमारी स्टोरी कुछ इस तरह से सस्पेंस है कि उसमें हीरो का चेहरा तो जल्दी दिखाने वाले नहीं है, तो उसके हिसाब से हम बैनर पे भी सस्पेंस ही रखे हुए हैं। जिस दिन ओपन होगा उस दिन साथ साथ सामने हो गया आने वाला है बहुत जल्दी, 4 मार्च मिला और सबसे अच्छा ये रहा कि पहले वाले मैं लकी मानता हूँ कि मुझे जितनी फिल्में मिलती हैं सब एक अच्छी, और जो मेरा उद्देश्य था कि एक साफ सुथरी और अच्छी फिल्में बनाऊँ, मुझे वैसे ही फिल्में मिलती गई। परिवार के बाप मुझे हमारे जगन्नाथ भोलेनाथ तो मैं लकी हूँ, मुझे अच्छी फिल्में मिल रही हैं और साफ सुथरी फिल्में मिल रही हैं, जिससे मैं जो पहले बोलता था या लोगों को बोलता था कि साफ सुथरी फिल्में बनाओ यार, अच्छी फिल्में बनाओ यार, फैमिली फिल्में बनाओ, और कहीं ना कहीं अब जो सुनने को मिल रहा है मार्केट में कि जो लोग मुझे पहले टोका करते थे कि फैमिली फिल्म बना के कहाँ क्यों प्रोड्यूसर को डुबा रहे हो, क्यों प्रोड्यूसर कहाँ जाएगा, आज के डेट में मेरे प्रोड्यूसर भी संतुष्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब जो जिन्होंने बोलना शुरू किया था आज वो भी फैमिली फिल्म को की तरफ भाग रहे हैं कि नहीं यार फैमिली फिल्म बनाओ, एटलीस्ट दर्शक देखना चाहता है तो हम बनाएं, हम परोसें तब तो देखेगा, हमने बनाया नहीं, हम पहले से बोलते जा रहे हैं कि नहीं यार देखेगा नहीं दर्शक तो वो गलत है, पहले हम एक बार ट्राई तो करें। उसके लिए मुझे सबसे बड़ा सहयोग चाहिए होता है अपने प्रोड्यूसर का कि वो पहले हिम्मत करे आगे खड़ा होने की, चलो एक लीक सेट की फिल्म बनाता हूँ, और वो सहयोग मुझे मिल रहा है मेरे प्रोड्यूसर से कि वो खड़े हो रहे मेरे साथ में कि हमें एक साथ उतनी अच्छी फिल्म बनाने के लिए रेडी हूँ, तो वो अच्छा चल रहा है। इस फिल्म को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस फिल्म को लेकर इस फिल्म के लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं मुझे, इस फिल्म से बहुत अच्छी इच्छाएं हैं, बहुत मेहनत की गई इसकी पटकथा पे, स्टोरी पे, और कोशिश किया गया कि शायद ये मेरे लाइफ की अब तक की जो करता हूँ स्टार्टिंग टाइम से, ये मेरे लाइफ की अब तक की सबसे बड़ी
बड़ी फिल्म, मैंने इनको बोला कि सर रिक्वेस्ट है कि इस फिल्म के लिए मेरा जो एक चीज़ है कि मैं टाइमिंग कम लेता हूँ, लेकिन इस फिल्म में मैं जस्ट डबल टाइम लेने वाला हूँ, क्या करूँ? मैंने बोला फिल्म अच्छी होनी चाहिए, आपको जितना टाइम लेना है आपको जो चाहिए उसके लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन फिल्म फाइनली अच्छी होनी चाहिए। तो फाइनली इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की जा रही है, एक एक चीज़ पर बारीकियों पर ध्यान दिया जा रहा है, और लोकेशन से लगाए, आर्टिस्ट से लगाए, सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी और जो भी चीज़ें, उस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, और क्योंकि बहुत से नाजुक से मुद्दे हैं इस फिल्म में, कंट्रोवर्शियल कुछ चीज़ें हैं जो अभी ओपन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ संभाल के लिए ताकि एक अच्छे से स्वस्थ तरीके से करते हुए अपनी बात कहते हुए निकल जाएँ, किसी को बुरा भी ना लगे और हमारी फिल्म भी बन जाए, तो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सर। भाई रुक जाओ, व्रत हुआ है बधाई हो, क्या कहना चाहें जिसे बहुत अच्छा नाम रखा गया है, तो आइए राइटर क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? फिल्म को लेकर यही कहूँगा, इसके पहले जब हमारे जो किए थे अरुण जी, वो भी मैंने ही देखा था, तो एक लाइन में अगर कहें कि जमाई राजा एक पारिवारिक फिल्म थी, तो जगन्नाथ भोलेनाथ मनाथ जैसे हुई एक सामाजिक फिल्म, थोड़ा घर के दायरे से निकल कर हम लोग समाज में आ गए हैं इसमें, और ईश्वर की आस्था के प्रति एक कनेक्शन जो है जुड़ा हुआ है इसमें, वो चीज़ देखने को मिलेगा। कहानी सोशल है, समाज में जो हो रहा है वही चीज़ दिखाया गया इसमें, तरीके से दिखाया गया उसको। इसे नाम से पता चलता कि कोई धार्मिक फिल्म होगी या क्या होगा, सस्पेंस बरकरार? हाँ, वो नाम सुन कैसा लग रहा है, धार्मिक नहीं है, मैं बोला धर्म से आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ जरूर है, लेकिन कहानी सोशल है, और हमारे समाज का हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं तो जुड़ा ही है ईश्वर से, हर बात में ईश्वर का नाम आता है, तो एक कनेक्शन है। सर है बोलेंगे सर, जैसा कि फिल्म का नाम है और राइटर की बहुत ही बढ़िया है, जब हम हिंदी की भी बनाते हैं और काफ़ी इंडस्ट्री में हैं, तो एक चीज़ बहुत गलती है जो मलगरीती आ जाती है भोजपुरी में, हम अपने बच्चों के साथ परिवार के साथ हम नहीं देख सकते। ये पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि जो भी बनाया, ये मोहब्बतें बनाया, जो भी फिल्म बनाई, सबको आप एक परिवार के साथ इंटरटेन करके देख सकते हैं, और ये भी फिल्म करीब करीब ऐसी ही है, ये शुभकामनाएं के साथ है। मुझे ऐसा लगता है कि अब तो बहुत ही इस्टेब्लिश प्रोड्यूसर होने जा रहे हैं अब की वजह से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो इसे योगदान दे रहे हैं, मैं जिस लेवल पर भी जो योगदान की जरूरत है हम दे रहे हैं, मतलब उसको इस कैमरे के सामने बोलना थोड़ा दिक्कत होगा, बट हम लोग डेफिनेटली जुड़े हैं इसके साथ। उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो दोनों ही अलवर दर्जे के हैं, और आप देखिए ये फिल्म मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एक स्टैंडर्ड साबित होगी भोजपुरी के लिए, टर्न ऑन भी होगी। दर्शकों से कहना चाहिए आप? दर्शकों से कहेंगे कि जो थोड़ी बहुत भोजपुरी की बदनामी चल रही है या करने वाले कर रहे हैं या कुछ गलतियाँ इंडस्ट्री की तरफ से हो रही है, तो वैसा कुछ हम लोगों ने इस फिल्म में बचाया है, वैसा कुछ है नहीं, और सामाजिक है। पहले बोला जैसे पारिवारिक फिल्म थी जमाई राजा, तो परिवार के साथ देखने लायक है, ये पूरे समाज के लोग देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं मिलेगा, कहीं कुछ वैसे सीन नहीं मिलेंगे जो आदमी परिवार के साथ ना देख सके, उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। ओके सर, थैंक यू। थैंक। सबसे पहले तो सब के होंगे हर हर महादेव, जगन्नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे हुई, और जब भोला चाहिए दिन दर रात कैसे हुई। जय हो। अरुण तिवारी जी को और हमारे काफी स्टाइलिश डैशिंग डायरेक्टर अजय प्रताप सिंह जी को ऐसा शुभकामनाएं, ग्रेट विशेष, मुबारकबाद बाई टाइटल, एक अपने बेस्ट टाइटल पर उसमें इंडस्ट्री के, और एक नया आयाम, एक नया तरीका से फिल्म बाहर को, फिर सर ग्रेट विशेष शुभकामना। अमित भाई क्या कहना चाहेंगे, इस फिल्म का मुहूर्त है, पूरी टीम के साथ आप जुड़े हुए हैं जी? जगन्नाथ भोलेनाथ वनाथ कैसे, सबके आशीर्वाद, सबके प्यार और सबके दुलार, यही कामना हमने के पास, और हम मिल के काम करेंगे, हर हर महादेव। अमित जी आप गाना बजाते हैं तो आज मुहूर्त है, शुभ है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो कुछ बढ़िया एकदम बढ़िया, तो बढ़िया से जो है गाना हो जाए भोले बाबा के, भोले बाबा का ही हो जाए, भोले बाबा कमारिया वाला नहीं, अरे आएगा ठीक है, संजोग से वो बनारस से घर में भी है, जरूर अपने गांव गिराव के नाम पे ही पिक्चर बन सकते।
करना बात किसी वजी के सिर सुहूल पे लोग बड़ी मतवा शक्ति मुक्ति के जरा रोल करो ना मेरे कैमरा सगरो सुना अमित भाई आप भी सिनेमा में मिलिट्री कर रहे हैं सिंगर से एक्टर बन गए क्या करना चाहेंगे जी भी बस सब आप लोग कृपा बा बहुत खुशी बा भैया भी कि आज हमने के यहाँ बन गया था आप लोग का भी हाथ बा धीरे धीरे जो भी स्ट्रगल आज भी स्ट्रगल ही चलता हमी के बड़ भाई अरुण तिवारी जी और डायरेक्टर भैया धनंजय प्रताप सिंह जी सबके साथ सबके आशीर्वाद बा सबके मिल के काम करे भाई से बस आशीर्वाद दिए भाई के और पूरे टीम के साथ आदित्य जी बात करें फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तो क्या करें धनंजय जी जो फिल्म डायरेक्टर उनके साथ आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं और धनंजय जी बड़ा लकी है उनके साथ दो दो तिवारी जी लोग एक गणेश तिवारी जी है दूसरा अरुण तिवारी जी है पहली फिल्म में बड़ा मज़ा आया काम करके जैसे उनका टाइप पता है कि नॉट ओनली भोजपुरी लेकिन अलग टाइप के उनका डायरेक्शन एक स्टाइलिश जब सेट पे हम लोग बैठते जब मेरा शॉट नहीं होता था मैं भी उनके साथ बैठा करता था और काफ़ी स्टाइल को बोलते थे एक्शन और हम दोनों कॉपी के एक्शन बड़ा मज़ा आता उनके साथ काम करके बहुत ही भाई के संग हमारे करीबी हमें नाम बोलो मुहूर्त सारे शो काम है जमाई राजा आ रही है जगन्नाथ भोलेनाथ उम्मीद करता हूँ कि इस बार याद जैसे उनको मौका लगे मुझे भी याद करें रमेश सर आप क्या कहना चाहिए सबसे पहले मैं श्री गणेश प्रोडक्शन की तरफ से आनंद चौबे प्रोडक्शन की सुनिश की है हमारी तरफ से आप सभी को हमारे धन्यवाद और हार्दिक का आभार आप लोग आए हैं जमाई राजा की जो टीम है इसमें मैं प्रोडक्शन से और अरुण तिवारी जी हमारे बड़े भाई की बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने प्रोडक्शन में रखा हुआ है राइटर हमारे हमारे धन्य प्रताप सिंह के साथ हमने जमाई राजा में रोल किया था प्लस हमने प्रोडक्शन भी लिखा था इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और हम सभी जुड़कर और सबसे अच्छी बात मुझे सबसे खास बात ये लगी इस पोस्टर को देख के इसमें यंग विलन लॉन्च हो रहे हैं 10 साल तक देख कर काफ़ी कुछ याद आ गई चलिए सर सब किसी को थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू आर महादेव सर फिल्म के बारे में बताइए किस तरह का फिल्म है और क्या हुआ जी मैम हो गया हाँ मैडम एक मिनट हाँ पर बात बोल बैटरी चेंज इनका अरे अभी तो हम व्यंजन में हैं नहीं नहीं मैं अकेला ही हूँ व्यंजन और राम भाई का बैटरी पिक्चर का इवेंट है ना मुहूर्त है राम भाई का राम भाई का इवेंट है पिक्चर का मुहूर्त है बीच में चल रहा है सारी बधाई और शुभकामनाएं के लिए और नाम और जगन्नाथ भोलेनाथ भोलेनाथ की शो क्या कहना चाहिए आप बहुत ही खूबसूरत और मैं सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया कि सर ने दोबारा मुझे इससे पहले हमने जमाई राजा और बहुत खूबसूरत नाम है और इतना प्यारा नाम इतना अच्छा टाइटल है और उम्मीद है कि फिल्म भी उसी हिसाब से बनेगी और बहुत अच्छी स्टोरी खुलासा करना चाहूँगा जी नहीं अभी नहीं क्योंकि मैं चाहूँगी कि किरदार डायरेक्ट ट्रेलर के साथ ही लोगों तक आए तो बहुत सरप्राइज
जिसे आपको हर लोग ऑडियंस पसंद करते हैं, तो आपका प्यार क्या है, चाहिए क्या हो सकता है? ज़्यादातर इंडियन ही मोड़ा और बहुत हम हमारे जो संस्कार है उसके मोड़ चलते हुए इस फिल्म में हम और वैसे ही टाइप में मेरा लुक हुआ है। फिल्म का जो आपके हीरो रहने वाले वो सस्पेंस है, उनका फेस रिवील नहीं किया गया है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैं तो उनका फेस रिवील होने के लिए मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर जीव वो ऐसे हैं और सब पलटेंगे वो, तो सबसे पहले मैं ही देखना चाहूँगी। अगला सवाल है प्रोड्यूसर साहब से, अरुण जी कब फेस दिखाने वाले हैं? मैं इसके पहले भी आपको बताया ना कि 4 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। 4 मार्च को अपने आप प्रकट हो जाएंगे सामने, तब तक इंतजार की घड़ी बहुत लंबी है, क्योंकि पूरी फिल्म में भी वही सस्पेंस है, आगे क्या होगा वो नहीं पता चलेगा। हम चाहते हैं कि हम शुरू पोस्टर से ही स्टार्टिंग कर दिखाना, लोगों को थोड़ी हैबिट बन जाए कि थोड़ा इंतजार करें। कहीं कहीं लग रहा है नारी शक्ति को ज़्यादा आप महत्व देने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, नारी शक्ति तो भाई हम कौन होते हैं उनकी आज़ादी छीनने वाले, इसलिए प्रोड्यूसर साहब के साथ में हैं। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? कुछ नहीं, सबसे पहले तो मैं इस फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने इस फिल्म में सेकेंड टाइम मुझे कास्ट किया और इस मूवी के लिए मेरी खुद भी बहुत एक्साइटमेंट हूँ। आप किस रूप में नजर आने वाली हैं? तो आप अभिनेत्री के साथ साथ फिल्म निर्मात्री भी हैं, तो दो दो कार्यभार कैसे संभालते हैं, क्या कहना चाहिए? हो जाता सर। काजल जी बताना चाहेंगे, मैडम फिल्म को प्रोड्यूसर हैं और एक्टिंग कर रही हैं, क्या कहना चाहिए? मैं मैडम के साथ मैंने ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, जमाई राजा, बहुत अच्छा मतलब उनका नेचर है और बहुत अच्छे से काम करती हैं और वो चाहत रखती कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें सीखूँ क्या नई चीज़ें हैं जैसे कि इंडस्ट्री में वो नहीं है और बहुत अच्छा सीखती है वो और बहुत कॉपरेटिव है और बिल्कुल भी हम जब काम करते हैं ऐसा लगता है कि वो प्रोड्यूसर हमारे साथ काम कर रही हो, बहुत फ्रेंडली है, नेचर में हो जाती है, तो बहुत अच्छी। अरुण जी एक बार हम बात करें कि तीसरी फिल्म है ये मोहब्बत रवि जी को लेकर बनाया था, फिर जमाई राजा में आप हैं, फिर दूसरी बार आप वापस उनके साथ काम करें, क्या कहना चाहेंगे? अरुण जी से तो मेरा घर जैसा रिलेशन है और अरुण सर जब भी वो प्रोजेक्ट बनाए इन फ्यूचर मैं हमेशा चाहूँगी कि मैं सर को प्रीमियर रहूँ और बहुत ही खुशनसीब मान के सर ने मुझे दोबारा अपने फिल्म में पास किया, क्या होता ज़्यादातर हम एक फिल्म में कर लेते तो उसके बाद लोग सोचते यार कहीं ना ले, तो वाकई में मैंने कहीं ना कहीं कुछ अच्छा की मेरी जमाई राजा पे, तो सर ने दोबारा सोचे कि मुझे कास्ट करना है और बहुत बहुत सर बहुत अच्छे हैं और बहुत एक बहुत अच्छा गाइडेंस करते हैं शूट पे भी, शूट के माहौल में जैसे बहुत भीड़ भाड़ होती है। जमाई राजा वाले कुछ बताना चाहेंगे आप? जमाई राजा बहुत खूबसूरत फिल्म है और उसकी स्टोरी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत हटके कॉन्सेप्ट है जमाई राजा की और फिल्म बेहद अच्छी बनी है, एडिटिंग चल रहा है और बहुत जल्द आप लोगों के सामने उसका ट्रेलर आने वाला है, तो मैं चाहूँगी कि मेरी सारी ऑडियंस इस फिल्म को बहुत प्यार दे, आशीर्वाद दीजिए हमारी सारी टीम को ताकि हम और मेहनत से दिल लगा लें। सर जमाई राजा के बारे में बात करें तो फिल्म रिलीज पे है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे ऐसे प्रोड्यूसर आप? जैसा कि मैडम ने बताया क्या बताऊँ, टेलर का इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, अभी अगर फोन दे तो सब यहीं सुन लेंगे तो क्या कुछ जाएगा, हम चाहेंगे कि एक बार थिएटर तक इंतजार करें, भाई ये तो पक्का है कि अगर एक बार चाहे वो लेडीज़ हो चाहे कोई फैमिली मेम्बर हो, एक फैमिली के साथ बैठ कर आप देख सकते हो, जो आज हर जगह मचा हुआ कि ये चीज़ नहीं अश्लीलता रखनी चाहिए, मैं उसी पे काम मैक्सिमम काम हो सकती हूँ, मैक्सिमम बोलेंगे तो मतलब 100%। जमाई राजा की स्टार कास्ट की बात की जाए तो बताना चाहेंगे? हाँ, स्टार कास्ट में प्रमोद प्रेमी यादव जी हैं और मैडम हैं संजय पांडे जी और विनोद मिश्रा जे नीलम संजीता राय और 2-4 जो चेहरे नए हैं उन्होंने बहुत ही टैलेंटेड काम किया है और मैं भी चाहता हूँ कि वो एक बार पर्दे पे आएंगे तो दिखेगा, अवनीश तिवारी ललित भंडारी बहुत खूबसूरत काम किया उन्होंने। मैडम आप जमाई राजा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे अच्छा लगा काम करके जमाई राजा के साथ, क्योंकि मतलब जैसा एक परसेप्शन था भोजपुरी ऐसी होती है बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था,
मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें काम करके। ओके थैंक यू मैडम। काजल जी आप पूरी टीम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अरुण जी की टीम है, तीसरी फिल्म इनकी हैट्रिक मारने जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, प्रोड्यूसर एक या दो फिल्म बनाने के बाद पीछे हट जाते हैं, अभी और भी इरादे मजबूत है और भी कई फिल्में लेके आने वाले हैं जी। बहुत मतलब मैं मेरी पूरी टीम, मेरे जो डायरेक्टर हैं धनंजय जी, वो भी बहुत उनको पता है कि उनका उनको कैसे शॉट्स लेने, और बहुत अच्छी अच्छी मतलब एकदम कूल डाउन होके भी काम करते हैं वो। और हमारी पूरी टीम बहुत एकता है, हमारी टीम में ऐसे नहीं किसी में भी कुछ अपडाउन होता है, हम सब जो सेक्टर होते हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं, और जहाँ सर है अरुण सर है वहाँ तो बड़ो में ऐसी बात है कि सारी टीम को अच्छे से काम करना ही होता है, क्योंकि सर खुद इतने अच्छे हैं और सबसे इतना प्यार से रहते हैं सर, तो हमारी टीम बहुत पॉजिटिव है और मैं बहुत खुश हूँ। और बैक टू बैक सर तो मैं चाहूँगा कि हर फिल्म में मुझे ही काम करें। लगातार भले ही नहीं थी, पहली फिल्म में माया जी थी, उनके बाद इन्होंने संभाल लिया। विरासत चली आ रही है जी, विरासत, हाँ विरासत चली आ रही है, और उम्मीद करते हैं कि विरासत चलेगी। बताना चाहूँगा कि जो इसके बाद का साइड प्रोजेक्ट रहेगा दो बिहारी जी, मेरा टाइटल जी, तो इसके बाद में कुछ होगा वहाँ, तो शायद यही सही होगा। काजल जी आपकी आने वाली फिल्मों की बात की जाए तो भी कौन कौन है? मेरी जो कंप्लीट मूवी है वो है जमाई राजा, काजल बहुत खूबसूरत फिल्म है जो मेरे टाइटल पे है, एंड देन यानी बजरंग बली की शूटिंग अभी बाकी है तो कंप्लीट हो जाएगी बहुत जल्द। चिराग, मजगल गदर प्यार में, और मैंने हाल ही में एक स्पेशल सॉन्ग शूट किया हूँ सारी राजी में, तो वो भी बहुत अच्छा। ओके थैंक यू।